हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल शॉप में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। आपको वीडियो थोड़ा लंबी होगा तो आपको समझने भी आसान होगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे दिखाऊंगा किस तरह इंस्टॉलेशन किया है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, तो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको समझने में आसानी होगा। वीडियो देखने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाना को भी ना भूले। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये है कि आप जब भी इस चैनल पर कुछ नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ पर कैमरा लगाना है वहाँ तक आपको एक केबल इस तरह क्लिपिंग करके लेना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी कैमरा लगाना चाहते हो वहाँ तक एक एक केबल इस तरह क्लिपिंग करके लेना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह हम केबल को क्लिपिंग कर रहे हैं, इस तरह आपको करके लेना पड़ेगा। अगर आप नया घर वायरिंग कर रहे हो तो आप साथ पे पाइप डाल सकते हो, उसमें ये केबल डाल सकते हो, फिर आपको इस तरह क्लिपिंग करना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ जहाँ कैमरा लगाना चाहते हो वहाँ तक इस तरह क्लिपिंग कर सकते हो। देखिए किस तरह के केबल को क्लिपिंग करके हम ले रहे हैं, अब भी इस तरह आसानी से कर सकते हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझने में आसान होगा। तो देखिए सारे केबल हम इस तरह लाए हैं, ये सारे जो 8 केबल है, 8 कैमरा लगाएंगे तो ये सारे केबल यहाँ पे कनेक्शन होगा टीवी पे। इस टीवी पे हम कैमरा देखेंगे तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा मॉनिटर की ज़रूरत नहीं। तो देखिए किस तरह केबल को क्लिपिंग करके हम लाए हैं। आपको आप चाहो तो इस तरह भी ला सकते हो या फिर इसको केसिंग के अंदर ला सकते हो। तो यहाँ पे SMPS और D-bar इस वॉल पे हम हैंगिंग कर देंगे। ये रहा ये जो केबल है, इसको 3-in-1 केबल कहते हैं। आपको इस तरह का केबल लाना है, 3-in-1 केबल। तो देखिए इस तरफ वायर को छेलना है D-bar में कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आप कितने मेमोरी GB का मेमोरी कार्ड डालना है D-bar में, उसको खोल के देखिए किस तरह आप 1 TB या 2 TB लगाना चाहते हो जो मेमोरी कार्ड है, आपके हिसाब से आपको ला के इस तरह इस D-bar को खोल के इसमें कनेक्शन करना है। आपका जितना कैमरा लगाना है उसके हिसाब से उतने चैनल वाला D-bar आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो हमारा ये 16 चैनल वाला D-bar है। तो बाकी सारे पॉइंट किस काम के लिए आपको दिखा दूंगा। HDMI केबल लगने के लिए एक जगह है, दूसरा VCA, तीसरा वीडियो, तीसरा ऑडियो इनपुट आउटपुट के लिए। तो देखिए D-bar में इसका चार्जर, बाकी कुछ वायर दिया गया है, माउस भी दिया गया है ऑपरेटिंग के लिए। तो सबसे पहले इस D-bar के अंदर ये जो 2 TB मेमोरी कार्ड है इसको हम इस तरह फिटिंग करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगा। आप कैमरामैन को ना बुला के भी इस तरह आप आसानी से फिटिंग कर सकते हो। इस तरह बिठा के इसमें जो स्क्रू दिया गया था इस तरह इसको लगाना है, बहुत ही आसान है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको समझने में आसान होगा। तो बाकी ये रहा उसका कनेक्शन, हम इस तरह कर दिए, इसको बंद करके इसको दोबारा जिस तरह लगा था हम लगा देंगे। आप चाहो तो इस D-bar को कोई रैक के अंदर या टेबल के ऊपर रख सकते हो, या फिर इसमें हैंगिंग करने के लिए भी ऑप्शन है, आप इसको हैंगिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारा एक BNC कनेक्टर,
और दूसरा डीसी पावर कनेक्टर लगेगा जहाँ पे आपको मशीन लग रहा है डीवीआर और एसएमपीएस। एसएमपीएस में कौन सा वायर लगाना है और डीवीआर में कौन सा वायर लगाना है आपको दिखा दूँगा। देखिए अभी ये कैमरे में लगेगा, ये जो ब्लैक का कवर हम निकाले हैं, ब्लैक वायर का कवर जो इंसुलेटर हम निकाले हैं, इसमें बीएनसी कनेक्टर लगेगा एक न्यूट्रल के साथ, और दूसरा बीच में जो व्हाइट कलर का वायर दिख रहा है वो बीएनसी कनेक्टर का रेड वायर के साथ कनेक्शन होगा। उसके बाद हमारा बाकी तीन वायर बचा है, जो रेड वायर, येलो वायर और एक वाइट कलर का वायर। उसमें से रेड और येलो वायर में पावर सप्लाई आउटपुट होगा कैमरा को, वो दो वायर एसएमपीएस में लगेगा, यहाँ से पावर कैमरा को जाएगा। और बाकी जो वाइट कलर का वायर रहा उसमें ऑडियो कनेक्शन देने के लिए वो वायर है। ये केबल में जो 3-in-1 केबल है उसमें ब्लैक वाला वायर हम इंसुलेटर ट्रक के जो कनेक्टर लगा रहे हैं उसको बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं। देखिए बीएनसी कनेक्टर का ब्लैक वायर को हम इस न्यूट्रल के साथ जोड़ रहे हैं, बाकी ये रेड वायर को वाइट वायर के साथ जोड़ देंगे। ये जो कॉपर वायर है जिसके साथ बीएनसी कनेक्टर लग रहा है, देखिए किस तरह लगा है, एक रेड वायर दूसरा ब्लैक वायर, उस केबल के वाइट वायर के साथ एक, और दूसरा जो न्यूट्रल वायर है उसमें लगा है। इसको अच्छे तरह से पीवी स्टेप से इसको लगाना है इसके ऊपर। तो बाकी ये रहा, अगर आपका ऑडियो लगाना नहीं है तो आप दोनों वायर को एक न्यूट्रल कर सकते हो, बाकी रेड वायर को फेज। तो अभी हमारा ये इनबिल्ट कैमरा है, इसमें हम ऑडियो नहीं लगाएंगे क्योंकि कैमरा में पहले से ही ऑडियो है। अगर आपका नहीं है तो इसमें जो ग्रीन वायर है इसको आप ऑडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए सारे केबल का फेज और न्यूट्रल को हम इस तरह एक कर दिए हैं, अलग अलग करके रखे हैं, फेज के लिए अलग और न्यूट्रल के लिए अलग। इसका अभी हम एसएमपीएस में कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंबल दिया गया है प्लस माइनस, जो ये मशीन से सप्लाई जाएगा कैमरा को, दो प्लस को कनेक्शन कर दिए, बाकी उसके बगल में दो माइनस को अभी हम कनेक्शन करेंगे। रेड वायर पॉजिटिव है, अब यहाँ पे जो जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है आप इसको एसएमपीएस बोलते हैं, एसएमपीएस ये कैमरा को पावर सप्लाई देने के लिए है, बाकी एसएमपीएस को भी सप्लाई देने के लिए इसके बगल में देखिए एल और एन लिखा गया है और ई लिखा गया है। एसएमपीएस में अर्थिंग लगेगा और बाकी दो फेज, एक अर्थिंग लगेगा और दूसरा फेज और न्यूट्रल यहाँ पे इनपुट होगा, और एसएमपीएस से करंट आउटपुट होकर कैमरे को जाएगा। देखिए किस तरह ये कनेक्शन हो गया है, आप इसको किसी भी रैक के अंदर रख सकते हो या फिर दीवार में हैंगिंग कर सकते हो। देखिए कितने सुंदर से अच्छी तरह से इसको टैपिंग कर किया गया है। तो अभी ये देखिए 16 चैनल वाला है डीवीआर, तो इसको एक एक करके इस तरह कनेक्शन करना है। तो उसके बाद दिखा दूंगा
दूसरे जो सारी पॉइंट है उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये रहा हमारा वाईफाई के लिए, नेट में चलने के लिए। अगर आपके रोटर है वाईफाई रोटर तो आप उससे कनेक्शन लाके यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हो। ये रहा रोटर का कॉर्ड। बाकी ये जो कॉर्ड रहा वीजे केबल बा एचडीएमआई केबल, ये हमारा क्या होगा मशीन से जाएगा। अभी हम इसको टीवी में देखेंगे। अगर आप चाहो तो इसके लिए सेपरेट मॉनिटर भी खरीद सकते हो। तो इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है एचडीएमआई केबल लगने के लिए, वो पॉइंट है वो। इसको अभी हम टीवी के पीछे में जो एचडीएमआई पॉइंट है उसमें कनेक्शन देंगे। तो बाकी अभी हम इस दो मशीन को यहाँ पे वॉल पे हैंगिंग कर देंगे, एक डीबीआर और दूसरा एसएमपीएस मशीन को। तो इसके बाद हम जहाँ पे केबल लिए थे वहाँ पे कैमरा लगेगा। आप जहाँ तक कैमरा लगाना चाहते हो वहाँ तक कैमरा लगेगा। तो उसके लिए इसको एक बॉक्स के ऊपर इस तरह फिटिंग करना है। देखिए अब ये इसका जो सेटिंग करना पड़ेगा उसके बाद ये चालू होगा। बाकी एक माउस के लिए पॉइंट है, दूसरा वहाँ पे पावर पॉइंट देने के लिए भी सिंबल है। आप चाहें तो आसानी से भी इनपुट कर सकते हो। तो हमें जहाँ पे कैमरा लगाना था वहाँ तक हम वायर को इस तरह रखे थे। अभी इसमें बॉक्स के ऊपर कैमरा को बिठाएंगे। उससे पहले हमारा बीएनसी कनेक्टर इसको इस तरह लगाना है और डीसी पावर कनेक्टर को भी लगाना है। लगाने के बाद इस तरह इसमें कैमरा उस पिन में सेट कर देंगे। आपको इस तरह बॉक्स के ऊपर इस तरह कैमरा को बिठाना है। ये लाइट आपको अंधेरे में, ये कैमरा आपका लाइट जलेगा, आपको ज़्यादा दूर तक देखने में आसान होगा। इसमें ऑडियो भी है, इसके लिए एक्स्ट्रा माइक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको दूसरा एक दिखा देता हूँ कैमरा किस तरह कनेक्शन करना है केबल के वायर में। देख सकते हो किस वायर को हम कहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। हमारा मशीन के पास जिस तरह कनेक्शन हुआ था बस उसी तरह वीडियो का जो वायर है बीएनसी कनेक्टर जो लग रहा है उसी तरह लगाना है। बाकी हमारा जो डीसी पावर कनेक्टर है उसमें वहाँ पे तो एसएमपीएस बॉक्स में डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया था, पावर सप्लाई दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डीसी पावर कनेक्टर लगाना है कैमरे को पावर देने के लिए। तो इस तरह कनेक्शन करने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से पीवी स्टेप इसमें लगाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ दूसरे कुछ टॉपिक के ऊपर भी जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना कर दिखाने के लिए। धन्यवाद।